सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक सिंध बदर जमील पुरस्कार तौर पर लापता। बदर जमील पर करोड़ों रुपए की बदउनवानी के इल्जामात हैं, मगर गिरफ्तार नहीं किया। एंटी करप्शन हुकाम का बयान। सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक सिंध बदर जमील घर से ऑफिस जाते हुए पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। इस हवाले से बदर जमील की अहलिया ने पुलिस को आगाह किया। चंद रोज पहले एंटी करप्शन ने बदर जमील, रोशन शेख और जहीर अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि फ्रंटमैन जहीर अब्बास ने गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात किए थे। बदर जमील को इल्म हो गया था कि अब मजीद मुकदमात भी तैयार हो रहे हैं। मुलजिम के पुरस्कार तौर पर लापता हो जाने के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने अपना मौकफ देते हुए बताया कि उन्होंने बदर जमील को गिरफ्तार नहीं किया। बदर जमील पर करोड़ों रुपए बदउनवानी का इल्जाम है। वाके का नोटिस लेते हुए आईजी सिंध ने एसएसपी ईस्ट और साउथ से तफसीलात तलब कर ली और तीनों जोन्स के डीआईजीज को हुक्म दिया कि तमाम इकदामात के हवाले से फिलफौर आगाह किया जाए।